हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत सारी रिमेक्स बनती है, साउथ की रिमेक्स बनती है, कुछ मराठी फिल्मों की रिमेक्स बनती है, हॉलीवुड की रिमेक्स बनती है। और अक्षय कुमार की फिल्म अभी बहुत सारी रिमेक्स हुई तो लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार बहुत सारे रिमेक्स करता है। हालांकि सभी एक्टर रिमेक्स करते हैं और सालों से इस तरह का रिमेक्स का मतलब जो चलन चलते रहता है। साउथ के लोग भी बॉलीवुड की फिल्मों की रिमेक्स करते हैं, यहाँ के लोग भी करते हैं, तो सभी एक्टर्स करते हैं। तो वो कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा रिमिक्स करने वाले, कौन सा एक्टर है वो सबसे ज्यादा रिमिक्स किए बॉलीवुड में, दैट इज एक्टर जितेंद्र। सबसे ज्यादा रिमिक्स करने वाले एक्टर वही है जहां तक मेरा नॉलेज है। उन्होंने अपनी लाइफ में 80 फिल्में रिमिक्स की है। उनकी रिमिक्स जो होती है साउथ की ज्यादातर फिल्में, ये जो पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म फर्स्ट, दैट आल्सो अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म गुड्डाचारी 116 1967 में, 66 में वो फिल्म आई थी तेलुगु फिल्म, उसको 67 में हिंदी में रिमेक किया था। नहीं तो रविकांत नगाइज सुपर ब्लॉकबस्टर जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, सुपर डुपर हिट हुई थी, तो वो उनकी पहली रिमेक थी। और आखिरी रिमेक 1993 अगेन साउथ तेलुगु की रिमेक थी संतान फिल्म की, जितेंद्र जी, मौसमी जी एंड दीपक तिजोरी पिक्चर के सब सपोर्टिंग कास्ट में थे। दसारी नारायण राव ने फिल्म बनाई थी। तो सबसे ज्यादा रिमिक्स करने वाले एक्टर मेरे हिसाब से जितेंद्र जी है। सबसे ज्यादा 80 रिमिक्स की उन्होंने, उनकी तो बहुत सारी फिल्में दसारी नारायण राव जी ने बनाई थी, प्यासा सावन और कृष्णा जो वहां के प्रोड्यूसर्स है उन्होंने तो इतनी 25-30 फिल्में तो उन्होंने ही रिमिक्स की जितेंद्र के साथ। जस्टिस चौधरी वही फायरिंग, हिम्मत वाला, देन और मकसद मवाली और बापरे फर्ज और कानून, मतलब तो इतनी सारी रिमिक्स है कि नाम आपके जस्ट फर्ज और कानून। देन अभी पद्मलाल ने भी रिमेक की थी, फर्स्ट पद्मलाल की पहली हिंदी फिल्म थी जो रिमेक थी, वहां की रिमेक यहाँ थी, तो जितेंद्र जी और संजीव कुमार टक्कर थी पहली पिक्चर पद्मलाल की। और कृष्णा जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने 25-30 फिल्में सिर्फ जितेंद्र के साथ ही बनाई है, पद्मलाल ने कुछ 20-22 फिल्में बनाई है, तो 50 फिल्में इनकी हो गई और बाकी दूसरे प्रोड्यूसर एक्टर तो सब मिलकर 80 फिल्में की है जितेंद्र ने। और जो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगी थी, हिम्मत वाला, मवाली, मकसद, सदा सुहागन, देन बोलो कितने नाम भी याद नहीं, पाताल भैरवी, सिंहासन, उसके पहले फर्ज, प्यासा सावन, जुदाई एंड वो इतनी सारी फिल्में, लास्ट वो संतन वॉज लास्ट, ज्योति मनी ज्वाला, कन्वरलाल, मेरी आवाज सुनो, इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में की है जो रिमेक्स, मतलब 40 डेज में रिमेक्स होती थी, जिससे कि ज्यादातर जितेंद्र जी अपना वक्त साउथ में ही बिताते थे। तो जो पांच प्रोड्यूसर्स थे वो लोग उस वक्त वीडियो कैसेट होती थी, तो कैसेट लगाते थे जो तमिल या तेलुगु जो भी फिल्में होती थी उनका जो सीन दिखाते थे, जितेंद्र जी, श्रीदेव जी, जया प्रदा, ज्यादातर यही लोग रहते थे, तो उनको कैसेट दिखाते थे जो ये सीन तेलुगु में सेम टू सेम आपको हिंदी में करना है। सो 30-40 दिन में फिल्म पूरी कंप्लीट हो जाती डबिंग के साथ। तो जितेंद्र जी अपना ज्यादा वक्त साउथ में बिताते थे, कंटिन्यूस फिल्में उनकी आती थी साउथ की, ब्लॉकबस्टर फिल्में आती थी। तो जो लोग आपकी जनरेशन घटी जनरेशन है, पागल लोग हैं, जो लोग बोलते हैं अक्षय कुमार सबसे ज्यादा रिमेक्स करते हैं, तो इट्स नॉट अक्षय कुमार, एवरी एक्टर डज रिमेक, लेकिन जितेंद्र जी ने सबसे ज्यादा रिमेक्स किए। लेकिन उस वक्त साउथ के बहुत कम एक्टर्स यहाँ पे आते थे, जैसे कमल हसन 81 में आए, 83 में रजनीकांत आए, देन उसके बाद चिरंजीवी आए, वेंकटेश आए, मोहनलाल जी आए, और अभी तो सब बाढ़ आ गए, मतलब अल्लू अर्जुन, जुंदर एंटियान, रामचंद्र, यश, प्रभास, विजय, तलपति विजय, ये सब आ गए, रवि तेजा। तो अब साउथ वाले अपनी फिल्म खुद ही रिमेक करते अपने एक्टर्स के साथ, नॉट विद बॉलीवुड एक्टर्स। अब उनको पता है अपना उनके हीरो यहाँ ज्यादा चलता है, तो उस वक्त वो चलन था कि बॉलीवुड का बहुत दबदबा था, तो साउथ के हीरोज बहुत कम आते थे यहाँ पे, कुछ लोग ही आते थे, वो लोग भी चलते थे, लेकिन ज्यादातर जो रिमेक्स बनती थी उसमें जितेंद्र जी ही होते थे। उसके बाद अगर कुछ रिमेक्स बनी उसमें अनिल कपूर ने काम किया, कुछ रिमेक्स में जितेंद्र मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा रिमेक्स करने वाले एक्टर है आई थिंक इज जितेंद्र जी। अगर किसी को और कोई एक्टर पता हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन एज फॉर नाउ मेरा जो नॉलेज है आई थिंक जितेंद्र जी इज द एक्टर हु हैज डन द मैक्सिमम रिमेक्स, 80 रिमेक्स फ्रॉम फर्स्ट 1967, रविकांत नगर जो 1993, संतन, दसारी नारायण राव जी। ये मेरा नॉलेज आपके लिए दोस्तों। की वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैटिनी आइडल, बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।